हाँ ये पागल है थोड़ा। बदले से अंकिता के नरेन जी का हाल तो देखिए, इनकी अतरंगी चाल ढाल तो देखिए। सिर फिरे दीवाने की तरह नरेन इठला रहे हैं, बल खा रहे हैं, और तो और अंकिता की तरह बिंदी लगाकर उनकी नकल भी कर रहे हैं। अंकिता जी, आपके इस दीवाने को क्या हो गया है? आपसे शादी करके जुदा होने का असर तो नहीं है ये? हाँ ये पागल है थोड़ा, अरे हंसाता रहता है दिन रात, तो हम सब हंसते रहते हैं। अंकिता का ये दीवाना पगला बना है तो सिर्फ अंकिता की वजह से, क्योंकि वो भी असल में कुछ ऐसी ही है। नौटंकी और ड्रामेबाजी से तो वो दूर दूर तक पवित्र रिश्ता रखती है, ये बात हम नहीं वो खुद ही कह रही हैं। मैं बिना कहे बहुत कुछ कह जाती हूँ। ये देखिए वहाँ से, देखो मैं जवाब देता हूँ। तो नेचुरली ऐसी हूँ यार, रियल लाइफ में मैं करण हूँ, सॉरी नरेन हूँ। हाँ एग्जैक्टली, मुझ पर ही आधारित है एक कैरेक्टर। करण प्लीज स्टॉप इट। ओहो करण, क्या बात कही है। अब जब आप इतनी बातें अंकिता के बारे में कर रहे हैं, तो लगे हाथ अंकिता के साथ रियल लाइफ और रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में भी बता दीजिए, जो आपने कभी इस शो में आने से पहले सुना होगा और शो में आने के बाद एक्सपीरियंस किया है। सर है पास। नहीं, जब मैं अंकिता जी के बारे में सुना हुआ था, तो मुझे पता था कि बहुत अच्छी अदाकारा तो है ही है, क्योंकि मैं देखता था इनके एपिसोड, डांसर बहुत अच्छी थी। मैंने ये सुना हुआ था कि बहुत स्ट्रिक्ट हैं भाई, बहुत टाइम पे आती हैं, टाइम पे जाती हैं, और ज़्यादा बातें नहीं करती हैं किसी से, और ऑब्वियसली इतनी बड़ी स्टार हैं। लेकिन मेरी फैमिली वाले मतलब पागल थे इनके पीछे। मेरी नानी तो है, वो सारा टाइम इन्हीं को देखती रहती हैं, उनको दिखता भी नहीं है टीवी पे, लेकिन अर्चना आ गई है ना, बोला लगा दे फटाफट, पवित्र रिश्ता, पंजाबी है ना मेरी नानी, तो पवित्र रिश्ता उसके साथ आता है एक्सेंट के साथ। तो जब मेरे को ऑफर हुआ ये, तो मैंने तो झपक से पकड़ लिया कि पवित्र रिश्ता मेरी नानी ज़रूर देखेगी मेरे को, मुझे तो इसलिए करना है। तो जब मैं सेट पर पहुँचा, तो मैंने देखा था इन्हें चेयर पर बैठी हुई थी, तब बहुत बारिश का सीक्वेंस चल रहा था और आग अंगीठी के पास बैठी हुई थी। तो मैंने सबसे पहले इनको जाके यही बोला कि मेरी फैमिली आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है और मुझे भी लगता है बहुत अच्छी एक्टर है। तो बस तब से मुझ पर फ्लैट हो गई। नहीं, उसके बाद फिर हमारी बातें शुरू हो गई, और फिर ऐसा कुछ भी नहीं था कि ऐसे कुछ ट्रिक ट्रिक तो नहीं है। देखो मैं कभी भी इनको मार भी देता हूँ, कभी भी कुछ भी कर लेता हूँ इनके साथ, तो कुछ कहती नहीं है हमें। पवित्र रिश्ता की ये मस्ती भरी बातें पर्दे के पीछे की हैं, जो आपको सिर्फ यहाँ देखने को मिलेंगी। पर्दे पे तो सिर्फ सीरियस ड्रामा, ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलने वाला है, जिसमें अंकिता की बहन की शादी और संगीत की तैयारी चल रही है, और साथ ही नरेन अंकिता की दूरियों को मिटाने की कोशिश की जा रही है, जो आगे चल के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेगी, जिसकी खबर भी आपको मिलेगी सिर्फ यहाँ और कहाँ। हाँ मुंबई से सुशीला उपाध्याय की रिपोर्ट।